गाइज आज हम बनाने वाले हैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी। बेसिकली दिस इज ए फॉलो अप वीडियो ऑफ लास्ट वीक, कि कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि ऑटोमेटिक जो हम लोग प्लान कर रहे थे ओटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज करने का, वहां पर आईटीएम चूज हो गया था। तो आज हम उसको इसकी एनालिसिस करेंगे और जो गलती लास्ट टाइम हुई थी उसे ठीक करेंगे और साथ साथ में रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। वेलकम टू T4E ट्रेडिंग फॉर अर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनोज कुमार सिंह, अमेजन बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो लास्ट वीक बनाया था वीडियो मैंने, जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसमें कुछ कमेंट आए थे और वो कमेंट जो है पहले मैं जान नहीं पाया, लेकिन जब मैं चेक किया तो दोज कमेंट्स वर ट्रू। तो आई थैंक ऑल दोज जिन्होंने वो पॉइंट को रेज किया। तो आपको दिखाता हूँ कि पहले बताता हूँ कि क्या इशू हुआ था। ये स्ट्रेटजी मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम वैल्यू है। आप चाहें तो ऊपर जाकर के मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर के आप जो हैं उस लिंक को क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। अभी बताता हूँ क्या है। मैंने इसमें स्ट्रेटजी डिटेल में चेक क्लिक किया, ये हमने पूरे कम में डाले थे लेग वन लेग टू और ATM देन OTM OTM टू। लेकिन हुआ क्या कि जब हम जो बायर को सेल चेंज कर रहे थे तो वहाँ जो डिफॉल्ट है वो ATM 1 देखिए आ गया, या ATM 2 आ गया, ATM 3 आ गया, ATM 4 आ गया। तो बेसिकली ये चेंजेज आए थे और जो मैंने बोला था, जो मेरा प्लान था, दैट वाज यहाँ पर ATM 1 था, यहाँ पर ATM 2 था, यहाँ पर ATM 3 था और यहाँ पर ATM 4 था। तो कई लोगों लगा कि शायद कुछ यहाँ पर फिसी है, कि ऐसा दिखा करके सबने चेंज कर दिया और रिजल्ट अच्छे लेके आ गए। तो आज ये काम करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, इसको हम कॉपी एंड एडिट करेंगे, बिल्कुल डिट्टो सेम, सब कुछ सेम रखने वाले। देखिए कॉपी टू आ गया, सब कुछ सेम रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आप कॉपी टू क्यों बोलेंगे, कॉपी वन क्यों नहीं, क्योंकि मैंने इसको ठीक करके एक बार कॉपी कर देखा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ATM ATM OTM 1 ये ATM 1 है, इसे हम चूज करेंगे OTM 1, ये OTM 2 है, इसे हम चूज करेंगे OTM 2, ये हमारा ATM 3 जो हो गया था इसे हम चूज करेंगे OTM 3 और इसे हम चूज करेंगे OTM 4। अब देखिए जो मैं लास्ट टाइम जो बोल रहा था यहाँ पर मेरा नज़र नहीं पड़ी, ठीक है ये हो गया था। तो ऑलवेज दिस इज ए गुड लर्निंग कि जब आप सबमिट का बटन दबा रहे हों तो ऑलवेज चेक कर लिए कि व्हाट यू वांट वही पे यहाँ पर हुआ है, कुछ चेंजेस तो नहीं हो गए। देखिए ATM OTM 1 OTM 2 OTM 3 नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट, बाकी सभी कंडीशन सेम है, हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं। और मैं इसको डायरेक्टली उतना ही हमारा टाइम, देखिए टाइम ले रहे हैं हम लोग 8:00 से 7:00 तक का टाइम लिया हुआ है हमने, और इसको जा करके हम सबमिट का बटन दबा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है मेरी स्ट्रेटजी यूज़ करने का, ठीक है, मैं मेरा पर्पज़ है कि आप लोग खुद सीखें, लेकिन जो ये मैं दिखाता हूँ दिस इज ओनली वन पार्ट, सेकेंड पार्ट है इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग, थर्ड पार्ट है उसकी लाइव में स्मॉल अमाउंट के साथ में टेस्टिंग, ये पूरा प्रोसेस होता है। और मैं कभी भी आपको अपनी कोई सिंगल स्ट्रेटजी नहीं देता, आई ऑलवेज टॉक ऑफ द पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ कि जो आपका पोर्टफोलियो है, लेट्स से आपकी कैपिटल 1,00,000 है, तो उसका कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी होगी जो कि काम करेगी, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती। आपका 1,00,000 का पोर्टफोलियो हो, 10,00,000 का हो या 1,00,000 का हो, उसके हिसाब से एक आइडियल पोर्टफोलियो की जो स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें क्या ध्यान रखा है, दो स्ट्रेटजी शुड नॉट को रिलेट ईच अदर। अगर वो सभी, मान लीजिए कि सभी कोरिलेट कर रही होंगी और मान ली, लेट अस एज्यूम कि सब ट्रेंडिंग मार्केट में काम करने वाली हैं, मार्केट ट्रेंड करेगा, सबके सब अच्छा प्रॉफिट देंगी, और जब मार्केट आपके अगेंस्ट में होगा, उस डायरेक्शन में नहीं होगा, तो मार्केट आपको, वो आपकी स्ट्रेटजी आपको बड़ा लॉस देंगी। तो इसीलिए जो कोरिलेशन नहीं होता, तो कुछ उसमें ट्रेंडिंग मार्केट के लिए होंगी, कुछ उसमें साइडवेज के लिए होंगी, कुछ उसमें बाइंग की होंगी, कुछ उसमें सेलिंग की होंगी, सेलिंग में भी जो होंगी वो डेल्टा न्यूट्रल भी होंगी, और साथ साथ में सेलिंग के अंदर भी नॉन डायरेक्शनल भी बनती हैं वो भी होंगी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की होंगी, बैंक निफ्टी की होगी, फिन निफ्टी की होगी, निफ्टी की होगी, अलग अलग एक्सपायरी जो है हम सेम रखते हैं और सभी स्ट्रेटजी इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सब बनाते हैं तभी ये प्रॉफिट करता है। तो आपको इंटरेस्ट है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। प्लीज़ डो नॉट कॉल, मैं फ़ोन नहीं उठाता, आप मुझसे लिख करके मैसेज किए, मैं आपको जल्दी जवाब दूंगा। देखिए रिजल्ट इसके आ गए, तो देखिए पहले से रिजल्ट थोड़े से कम आए हैं, पहले मुझे याद था, मैं काम करता हूँ उसको भी खोल लेता हूँ सो दैट कंपेयर करना आसान हो जाएगा।
देखिए पहले हमारी कौन सी थी, हमारी स्ट्रेटजी थी पहले, हमने ये अभी बनाई है, और हमारी स्ट्रेटजी थी ये वाली, ये वाली। आप देखिए क्या क्या अंतर आया है, आज बहुत ही अच्छी चीज़ आप देखने वाले हैं। पहले हमको 3178 आया था, 3178,000, यहाँ पर आया 3157,000, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन क्या सही में वो फ़ायदा दे रही थी, इसको और समझेंगे हम लोग। ये काम करते हैं, आपको याद होगा मैंने इसमें स्लिपेज आ रही थी 0.5% की, तो ये हमारी हो गई थी 22 समथिंग थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है, लेट अस सी 2289। तो जी ये हमारी जो स्ट्रेटजी है जिसमें कि ओवरऑल रिटर्न कम आ रहा है, इसमें देखिए स्ट्रेटजी के बाद में क्या रिटर्न आता है, इसे हमने कम किया। तो देखिए वह आप अंतर देखिए, यहाँ पर 2289 है, यहाँ पर 2544 है। तो बेसिकली स्लीपेज के बाद में जो एक्चुअल स्ट्रेटजी है वो उससे अच्छा रिटर्न दे रही है। अब इसको एक काम करते हैं, एक्सेल में चलते हैं और देखते हैं हमारा कि हमारा इसके अंदर हमारा क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो बात वही है, इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें, आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट सेम रहने वाला है, क्योंकि पांच मल्टीपल हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजिकल के, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 550,000 रुपये। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सबको मैं ये कर देता हूँ, सो देट आपको कॉमा के दिखना आसान होगा। और रिटर्न हमारा कितना आया, प्रॉफिट हमारा कितना आया है, प्रॉफिट जो आया है हमारा, हम बात कर रहे हैं आफ्टर स्लिपेज, ये आया है 2544927, 2544927। और हमारा जो अब देखते हैं हमारे क्या क्या एक्सपेंस हुए, तो स्लिपेज तो हमने इसके अंदर हटाया, पहले से हटा दिया है। ब्रोकरेज देखते हैं, ब्रोकरेज के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कितने हमारे टोटल ट्रेड हुए हैं। तो देखिए यहाँ ट्रेड हमारे देखेंगे अगर आप, तो टोटल ट्रेड हमारे 1233 ट्रेड हुए हैं, तो 1233 ट्रेड हुए हैं, और टोटल कितने रह गए, 10 लाख बेचना, 10 लाख को 10 खरीदना, और 10 बेचना, पहले बेच रहे हैं हम लोग और बाद में 10 खरीद रहे हैं। तो टोटल हमारा एक बार जो चलता है तो 20 टाइम ये टिकट 20 ट्रेड होते हैं, तो 20 × 10 तो हम 200 रुपये खर्च करने वाले हैं पर ट्रेड पर। तो कितना हमारा आएगा ब्रोकरेज, दिस इंटू दिस, आपको याद होगा इतनी के आसपास लास्ट टाइम भी आया था। और टैक्स हमारा कितना आएगा, जो मेरा मोटा मोटा आइडिया है, इट शुड नॉट बी मोर देन 2 लाख, तो इसको काम करते हैं, इसको भी हम 245,000 ले लेते हैं, और दोनों को एक काम और करते हैं, क्वांटमेंट की फ़ीस ले लेते हैं। क्वांटमेंट की फ़ीस जो है वो 13,000, देखिए ईयरली बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग कभी मंथली बात नहीं कर रहे, ईयरली में अगर आप देखेंगे तो 13,000 प्लस GST होता है। कुछ कूपन कोड मेरे पास में है, जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे आई विल गिव यू, शायद मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ जाके दे सकते हैं। तो उसमें करने पर 13,000 पर ईयर आता है फॉर 4 स्ट्रेटजी, ये हम एक की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली 13,000 डिवाइड बाई 4 ये हमारा एक स्ट्रेटजी के लिए है, और हम कितने साल तक यूज़ करने वाले हैं, 5 साल तक हमने टेस्ट किया हुआ है, × 5, तो ये हमारा 16,000 रुपये जो है, 16,250 रुपये हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो ये टोटल हमारा एक्सपेंस है 5 लाख रुपये, तो यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेंस कितना है हमारा, ये हमारा आया 5 लाख रुपये। तो नेट कितना कमा रहे हैं हम लोग, नेट कमा रहे हैं हम लोग दिस माइनस दिस, कि 20 लाख कमा रहे हैं कितने साल में, 5 साल में। और इसको अगर हम निकालेंगे पर ईयर, तो पर ईयर का रिजल्ट रिटर्न कितना आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है दिस डिवाइड बाई 5, तो ये हमारा आ रहा है 4 लाख रुपए। और कितना इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट है दिस इंटू 100 डिवाइड बाई जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, जो हमारा आता है 74%। तो लास्ट टाइम जो गलती की वजह से 65% दिख रहा था, नाउ इट इज़ कमिंग 74%। अब एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा इसे कंपेयर करते हैं कि सिंपल सी स्ट्रेटजी को, कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, लड़ा से आपने म्यूचुअल फंड डाला आपने, तो आप जब डालते हैं कोई पैसा, तो वो आपको पाँच बोलते हैं, 5 साल में मेरा 1 लाख बढ़ करके 5 लाख हो गया। तो क्या आप बात कर रहे हैं कि जो आपने 1 लाख रुपये डाला है, जो म्यूचुअल फंड ने कमा कर दिया, क्या आप उसे निकाल रहे हैं वापस, आप नहीं निकाल रहे हैं, वो पैसा जो पड़ा हुआ है वही बाद में जो कमाया म्यूचुअल फंड ने, उसे उसने रीइन्वेस्ट किया। ऐसी गाड़ी बढ़ती जा रही है, आगे तक होती जा रही है, ठीक है। तो 74% का यदि हम ले लेते हैं, और यहाँ देखते हैं, मान लीजिए कि 1 लाख का 5, जनरली म्यूचुअल फंड में कितना आधा रिटर्न देखा होगा,
25% नहीं बल्कि 15-20% के आसपास आता है। दे से इट वेरी गुड, अगर 20-18-20 है तो दे से एक्सट्रीमली गुड। लेकिन क्या वो सही में इतना कम कमाते होंगे? नहीं, वो कमाते अच्छा हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, जो उनकी टीम होती है, जो उनकी मार्केटिंग होती है, दे स्पेंड करोड़ों रुपीज़, तो इसीलिए उतना बचा करके और प्रॉफिट वर्क करके वो दिया पब्लिक को केवल 15-20% ही जाता है। ये समझते हैं हम लोग हमारा क्या होगा। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ईयर वन की, फिर टू की, थ्री की, फोर की, पाँच की। हम 5 साल में देखने वाले हैं कि हमारा जो 550,000 है, अगर हमने इसकी जो कमाया है उसको रीइन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा। तो 550,000 हमने लिया और इसमें कितना कमाया, हम इसमें कमा रहे हैं, हम मान रहे हैं हम हर बार 74% कमाते हैं, ठीक है। ये हमने डिवाइड किया 5 साल के लिए, तो हो सकता है पहले साल कम कमाए, दूसरा ज़्यादा कमाए, लेकिन यदि आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे पहले साल तो हमने बहुत अच्छा कमाया हुआ यहाँ तक, उसके बाद स्ट्रेटजी नियरली स्टेबल हो गई है। तो जो लोग, कई लोग बोलते हैं सर आप ऐसे कैसे ले रहे हो पहले साल ज़्यादा कमाओगे, स्ट्रेटजी ने पहले साल अच्छा कमाया था। तो अगर आप देखोगे तो 74 नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा पहले साल, दूसरे साल भी बहुत ज़्यादा होगा, होता है यहाँ पर ज़्यादा ना आए, तो मैं एक एवरेज ले रहा हूँ। तो ऐसा करने से हमारा जो रिटर्न आएगा वो ओरिजिनल से कम आएगा, अगर आप एक ही साल के निकालेंगे तो। तो यदि 74% कमा रहे हैं तो हमारा एक साल में हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, दिस इनटू दिस परसेंटेज, हम 4 लाख रुपए कमाएंगे एक साल में। तो एक साल के बाद में हमारा टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, दिस प्लस दिस। नेक्स्ट ईयर जो हम स्टार्ट करेंगे, अपना जो ईयर स्टार्ट करेंगे वो इस कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, और अगले साल हमारा प्रॉफिट कितना होगा, इतना होगा, अगले साल के ईयर के एंड में इतना होगा। बेसिकली आप देखेंगे तो ये अपने प्रॉफिट को इसको पर जोड़ दे, ये आ गया, उससे अगला साल हमारा स्टार्ट होगा 16 लाख वाले से, और प्रॉफिट हमारा इस 16 लाख के ऊपर होगा, इसको फिर से बड़ा कर दूं, 12 लाख का, और इसके ऊपर हमने ये बची बची ज्योति नहीं इसकी, तो सीधा फार्मूला कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करके पेस्ट किया तो 28 लाख पे होंगे। चौथा साल हमारा स्टार्ट होगा 28 लाख से, और उसके बाद में जो हमारा प्रॉफिट आएगा 28 पे 21 लाख का आएगा, और 4 साल के बाद में हमारा प्रॉफिट, हमारी जो कैपिटल है 550,000 वो बढ़ गई होगी 50 लाख रुपये। तो 5वां साल स्टार्ट करेंगे 50 लाख रुपीज़ से, तो हमारा इतना होगा, और जो प्रॉफिट आएगा 50 लाख पर 14% हिसाब से वो 37 लाख आएगा, और 5 साल के बाद में हमारी कैपिटल हो गई होगी 87 लाख रुपीज़। 550,000 से 87 लाख रुपीज़, आप खुद मल्टीप्लाई करके रिटर्न निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ देखिए कैच है, आप समझिए इस बात को, कैश मतलब कि जब आप इतना कमा रहे होंगे तो बहुत सारा वैल्यू एक तो आपका उसमें जा रहा होगा, टैक्स में जा रहा होगा। इसके अलावा ये 74% आपका नहीं आएगा उतना, क्योंकि शुरुआत में बैंक निफ्टी जो लॉट था वो 25 था, 15 हो गया, तो कम हो जाएगा, लेकिन तब भी हम लोग मच हायर देन म्यूचुअल फंड हैं और उससे अच्छा कमा सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोचेंगे मैं डेली बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा तो ये नहीं होने वाला, मार्केट अपनी मर्जी से चलता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर हम बैकटेस्ट करते हैं तो लॉन्गर टर्म में ये रिप्लिकेशन आएगा, क्योंकि लॉन्गर टर्म में जो मार्केट की जितनी साइकोलॉजी, जो जितनी साइकिल हैं वो कवर हो गई हैं, उसके अंदर ड्रॉ डाउन की साइकिल भी आती है, मैं लेटर से उसके अंदर अप ट्रेंड भी है, डाउन ट्रेंड भी है, साइड वेज भी है, हाई वोलेटिलिटी भी है, लो भी है, सब टाइम का 4-5 साल के अंदर आ चुका है। तो अगले 5 साल में इतना तो हमारा निकालना ही चाहिए। एक और चीज़, सिंगल स्ट्रेटजी में कई बात नहीं करता, सिंगल स्ट्रेटजी का मतलब ये स्ट्रेटजी कब सक्सेसफुल होगी, जब मार्केट आपका साइडवेज होगा तो सक्सेसफुल है। पिछले 2 साल से क्यों सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है। तो अपने पोर्टफोलियो को हम एक स्ट्रेटजी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, इसको भी कंबाइन करेंगे, ट्रेंडिंग वाले को कंबाइन करेंगे, डाउन ट्रेंड वाले को कंबाइन करेंगे, तो ओवरऑल रिटर्न हमारा इतना नहीं आएगा, वो कम आएगा, लेकिन जो कम आएगा वो सॉलिड होगा और हमारी स्ट्रेटजी उसमें अच्छा लाई मार्केट में अच्छा रिटर्न दे पाएगी। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो मेरा पर्पज है आपको बताने का, वो सिखाने का है, कोई चीज़ छुपाने का नहीं है। अगर लास्ट टाइम गलती से जो OTM का RTM हो गया था तो जो हुआ था वो रिजल्ट अच्छा नहीं था, उससे अच्छा रिजल्ट आता जो मेरे कॉन्सेप्ट आपको दे रहा था। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीक फिर कोई नई स्ट्रेटजी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।